हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑसम हाउस प्लान्स। तो देखिए व्यूअर्स, आज हम आपको एक कॉलम लेआउट के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो कॉलम लेआउट है ना, ये सेंटर लाइन प्लान जब आप मार्कआउट करते हैं ना, उस वक्त ये नेसेसरी है आपके लिए। और इसका क्या यूज़फुल है क्या नहीं, और इसका पूरा डिटेल आज आपको समझ में आ जाएगा। बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। इसका मैं प्लान दिखा के पूरा फुल डिटेल में आपको समझा दूंगा। एंड अगर आपके पास भी किसी तरह से कोई प्लान्स है तो प्लीज़ हमें सेंड कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन है ना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर 8095615113। इस पर आप सेंड कर दीजिएगा। सेंड करने के बाद जो है कुछ आपका प्लान्स रहे तो हम उसका कुछ रिव्यू आपको दे देंगे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है मेरे ख्याल से। एंड इस वीडियो से भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। फर्स्ट प्लान दिखा दूंगा, प्लान दिखाने के बाद इसका सेंट्रल लाइन प्लान देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लान जो हमें सेंड किए गए थे रजवत जो हमें व्हाट्सएप नंबर पर। तो एक कॉलम टू कॉलम का अभी तो प्लान मिल गया आपको, कॉलम है, कॉलम टू कॉलम कितना दूरी पे है ये आपको मालूम नहीं है ना, तो उसके लिए क्या है सेंटर लाइन प्लान रहना बहुत ही आवश्यक है। ओके, बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद जो है आप पूरा डिटेल जानकारी आपको मिलता रहेगा। एंड तो ये देखिएगा इस तरह से बनाया गया ये पूरा प्लान, कॉलम कितना दूरी पर है, सब कुछ डिटेल है उस वाले प्लान पर। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, फिलहाल मैं भी वेट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अभी मैं आपको इसका सेंटर लाइन प्लान के बारे में दिखा दूंगा। लेट्स से यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सेंटर लाइन प्लान जो कि देखे हैं ना आप, उसका सेंटर लाइन प्लान मतलब मार्कआउट करते वक्त ये आपको नेसेसरी है। इसमें देखिए नंबर ए से लेके ए तक सभी एक ही डायरेक्शन पे है कॉलम्स, यहाँ बी से लेके पूरा यहाँ तक। ओके, फिर ये बी वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, तो ये इससे ये मालूम होता है कि कॉलम का आउटर फेस से लेके यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो है ना, कॉलम का आउटर फेस से लेके सेंटर तक जो 8 फीट 8 इंच, फिर सेंटर टू सेंटर 9 फीट 4 इंच, फिर सेंटर टू ए वाला कॉलम का सेंटर तक 7 फीट 10 इंच, फिर देखिएगा इसका सेंटर से लेके सेंटर तक 13 फीट है। फिर नेक्स्ट एंड वाला कॉलम सेंटर टू आउटर फेस है, ओके 11 फीट 2 इंच है आउटर फेस तक, 11 फीट 2 इंच। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आउटर फेस से लेके सेंटर तक मतलब एंड वाला जो कॉलम रहता है ना उसका आउटर फेस लिया जाता है, और बीच में जो भी कॉलम आते हैं उसका सेंटर पॉइंट लिया जाता है। इसका आउटर फेस से लेके सेंटर तक 9 फीट 2 इंच, फिर सेंटर टू सेंटर 11 फीट 8 इंच, फिर सेंटर से लेके इसका आउटर तक 9 फीट 2 इंच है। फिर देखिएगा सेम उसी तरह यहाँ पर जो है मार्क C1 नंबर 21 साइज़ 8 इंच × 12 इंच कॉलम का साइज़ दिया गया। हमारे यहाँ जो है 9 इंच × 15 इंच का रहता है या फिर 12 इंच का रहता है, इस थोड़ा बहुत कुछ वो स्टेट पे भी डिपेंड करता है, वैरी करता है। स्टीरअप का साइज़ 8 mm × 7 इंच सेंटर टू सेंटर, पिट साइज़ मतलब गड्ढा कितना खोदना चाहिए 4 × 4, PCC बेड 4 इंच का दिया गया। ये है आपका STRT फिट, स्लोप फिट मतलब वो PCC बेड के बाद फर्स्ट फुटिंग आप डालते हैं ना, फर्स्ट फुटिंग फिर स्लोप, स्लोप किस तरह से देना चाहिए वही है शायद। ओके, ये आपका सेंटर लाइन प्लान, ये बहुत नेसेसरी है जब भी आप मार्कआउट करते हैं। एंड सबका एक अलग अलग वे में रहता है, ये यहाँ पर बनाया है एक टाइप का बहुत ही बढ़िया सा बनाएगा। एंड नेक्स्ट इसका सेंटर से लेके ये वाला कॉलम है ना, ये कॉलम का सेंटर ये धागे से लेके इसका धागे तक सेंटर तक जो है 11 फीट 2 इंच, और ये वाला धागे आप डालते हैं ना वो सेंटर से लेके इसका सेंटर तक जो है 5 फीट 2 इंच। तो इस तरह से बनाएगा एक सिंपल वे में। तो जो सुबह मैं वीडियो अपलोड किया था उसका एक दूसरा भाग है। एंड इसी तरह से आपको और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारियां हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को आप इसी तरह से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय देखे वीडियो को पूरा अंत तक देखे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा, एक ना एक दिन ज़रूर आपको भी हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे इस चैनल से। प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एंड
share videos with your friends, support me. Thank you so much. Have a great day.